नई रेसिपीज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, दिस इज बबीता, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद ट्विंस। आज मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी मैंगो केक की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ ही साथ हेल्दी है। मैंने इसे आटा और मैंगो से बनाया है, तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक कटोरी दूध, एक कटोरी पीसी हुई चीनी, एक कटोरी आटा, एक कटोरी रिफाइंड ऑयल, एक कटोरी मैंगो प्यूरी और 4 टेबल स्पून शुगर। पहले हम मैंगो ग्लेज बनाएंगे। तो पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम मैंगो प्यूरी डालेंगे और इसमें 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे लगातार चलाएंगे। हमें इसे चलाते हुए लगातार पकाना है ताकि इसके तले में ये चिपक ना जाए। और हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये पक करके थिक ना हो जाए। अब हमारा मैंगो ग्लेज बन करके तैयार हो गया। अब हम केक के बैटर को तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें हम पिसा हुआ शुगर पाउडर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इन दोनों को अच्छे से हमें मिक्स करना है, इसे लगातार चलाते हुए हम अच्छा एक स्मूथ बैटर बनाएंगे ताकि इसमें कोई गांठ लम्स ना रहे। अब हमारा शुगर अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें हम आटा डाल देंगे। आटा को हमने छान के ले लिया था। अब इसे हम अच्छे से विस्कर से मिक्स करेंगे। जब हमारा आटा थोड़ा मिक्स हो जाए तो हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें लगातार चलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब हम बचा हुआ भी दूध ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। हम इसमें एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ना हमें ज़्यादा थिन रखना है बैटर को, ना ज़्यादा थिक रखना है, इस कंसिस्टेंसी की हो जाए। अब हमने जो मैंगो ग्लेज बना कर रखा था उसे हम केक के बैटर में डाल देंगे। इसे हमें 3/4 पार्ट ही डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा मैंगो केक का बैटर बन करके बिल्कुल तैयार है। हमने यहाँ केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और आटे से डस्ट कर लिया है। कुकर को हम प्री हीट कर लेंगे और तब तक हम मैंगो केक के बैटर को केक टिन में डाल देंगे। मैं इसे यहाँ कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो माइक्रोवेव और ओवन में बना सकते हैं। ये यहाँ तैयार हो गया, इसे हम प्री हीट कुकर में डाल देंगे और इसे बिना सीटी के ढक्कन लगाएंगे। इसे हम 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हमारा केक बनकर तैयार है, इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए हमारे चाकू में बिल्कुल नहीं लगा है, तो ये पक के एकदम तैयार है। चारों साइड से केक हमारा छोड़ दिया है, एकदम स्पंजी। हमने इसे ऊपर से काट लिया है कि हमें आइसिंग करके डेकोरेट करना है। अगर आपको ना करना हो तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब ये कट के तैयार है,
इसकी हम मैंगो ग्लेस से आइसिंग करेंगे। हमने यहाँ ऊपर कहीं से काट के निकाल लिया। अब हम बचे हुए ग्लेस से इसकी आइसिंग करेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसे चॉकलेट और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। मैंने यहाँ पर बादाम के कुछ पीसेस काट लिए हैं, इससे हम इसका डेकोरेशन करेंगे। अब हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हम इसे काट के दिखाते हैं आपको, तो कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बन करके तैयार है। आप इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख करके फिर खाएं तो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैंगो केक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।